मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई एजु हब ऑनलाइन क्लासेज एजी बायोलॉजी चैप्टर थर्ड। इसमें नेक्स्ट जो कीट है चने का फली छेदक ग्राम पॉड बोरर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण में इसका वैज्ञानिक नाम, सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा, इसके बाद इसका गण लेपिडॉप्टेरा, कुल नॉक्टुडी, इसके बाद यह जो कीट होता है ये सर्वभक्षी कीट होता है, सर्वभक्षी और सर्वव्यापी। सर्वभक्षी का मतलब होता है किसी एक विशेष पौधे को पोषण के रूप में ना लेकर उस समय की उगने वाली अधिकांश फसलों को भोजन के रूप में खाना। सर्वभक्षी, सर्वव्यापी, किसी एक विशेष स्थान पर उपलब्ध ना होकर अधिकांश यानी कि सभी जगहों पर यह पाया जाता है। अमेरिका के अंदर यह बहुत ही हानिकारक होता है। इस वजह से वहां पर इसको कॉटन बॉलवर्म कहा जाता है। अमेरिका के अंदर चने का फली छेदक जो कीट होता है ये कपास को नुकसान पहुंचाता है, कपास के लिए अत्यधिक हानिकारक है, इस वजह से ही इसको कहा जाता है कॉटन, कपास से लिया गया शब्द है कॉटन बॉल वर्म। इसके बाद इसके लक्षण कैसा दिखता है, इसके व्यस्क और सलभ जो होते हैं, व्यस्क या सल, ये रात्रिचर होते हैं यानी कि जो नुकसान पहुंचाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते हैं वो रात के अंदर जाते हैं, इस वजह से इनको रात्रिचर कहा जाता है। और इनका रंग जो होता है वो लाल भूरा होता है। इनकी पूर्ण विकसित गिरार जो होती है, पूर्ण विकसित गिरार, वो 35 mm लंबी होती है। इनकी इसकी लंबाई 35 mm होती है। इसका रंग पीला हरा या हल्का पीला होता है, पीला हरा या फिर हल्का पीला होता है। इसके बाद पोषक पौधे, कौन कौन से ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनसे ये अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उनमें से मुख्य रूप से पढ़ क्या रहे हैं यहां पर, चने का फली छेदक, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, चना। नेक्स्ट यहां से याद रख सकते हैं अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाता है, कपास को, कपास। इसके अलावा भिंडी होती है, अरहर है, ज्वार और टमाटर, इन पौधों को यह नुकसान पहुंचाता है, इनसे भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका क्षति या महत्व, किस प्रकार से क्षति पहुंचाती है, कौन सी अवस्था होती है जो नुकसान पहुंचाती है, तो इसकी हानिकारक जो अवस्था है वो लट अवस्था होती है, हानिकारक अवस्था लट अवस्था होती है। ये लट अवस्था जो है ये सबसे पहले पौधे के जो कोमल भाग होते हैं, कोमल भागों में पत्तियां, इनको नुकसान पहुंचाती है। इनको खाने के बाद में ये टहनियों को, फूलों को और फलों को, फलों के अंदर इसमें फलियां, इनको नुकसान पहुंचाती है। लट जो है ये चने की फलियों में प्रवेश कर दानों को खा जाती है, इसलिए
फलियां जो है वो अंदर से खोखली हो जाती हैं। इनके अंदर लट जो है इसका सिर वाला जो भाग है वही प्रवेश करता है, शरीर का बाकी का जो हिस्सा है वो फली से बाहर रहता है, फली से बाहर रहता है। एक जो लट है वो 40 से 50 फलियों को क्षतिग्रस्त कर सकती है। इसके अलावा फ्लैश जो भाग होता है, यानी कि टमाटर, टमाटर के अंदर गुदे वाला भाग, टमाटर के अंदर ये प्रवेश कर उसके गुदे वाले भाग को खा जाती है और इसको 40 से 50 प्रतिशत तक टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार से इसकी लत जो है वो पौधे की जो फसल, ये फसल जो है चने की फसल और टमाटर की फसल या इसके अतिरिक्त जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। थैंक यू, धन्यवाद।